एक्सप्रेस में हूँ आपके साथ बुशरा। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर रहे हैं हैदराबाद से, जहाँ हैदराबाद कांड विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा, और काफी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ता मौजूद हैं। विरोध प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने भी अपना बयान दिया और बताया कि उसको अपने घर वालों से मदद नहीं मांगनी चाहिए थी, उसको डायरेक्ट हमसे मदद मांगनी चाहिए थी। तो ये उनकी महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है कि कैसे वो महिलाओं को रोकना चाहते हैं। और हम यहाँ सभी लड़कियाँ इकट्ठी होकर के ये कहना चाहती हैं उस सरकार से और हमारे कानून से कि हम अबला नहीं है, हम अपने अधिकारों के लिए यहाँ लड़ेंगे और हमारे जहाँ जहाँ हमारे अधिकारों का हनन होगा हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। और मैं कहना चाहती हूँ तेलंगाना सरकार से कि यदि जल्द से जल्दी प्रियंका रेड्डी को न्याय नहीं दिया गया तो हम सभी छात्राएं मिलकर के एक बहुत ही बड़ा आंदोलन यहाँ करेंगे, और जिसकी जिम्मेदारी पूरी सरकार की रहेगी, जो भी होगा हानि क्षति जो भी पहुंचेगी वो पूरी सरकार की जिम्मेदारी रहेगी। धन्यवाद। तो स्वराज एक्सप्रेस की टीम इस वक्त प्रदर्शन स्थल पर पहुंची हुई है, और आपको बता दें कि नूतन कॉलेज के बाहर की ये कुछ तस्वीरें हैं जहां काफी संख्या में एबीवीपी कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। स्कूल कॉलेज की कुछ बच्चियां यहां पर पहुंची हुई हैं जो प्रदर्शन कर रही हैं, और जाहिर तौर पर इन सभी महिलाओं का प्रदर्शन इस बात को लेकर है कि जितनी निर्मम तरीके से एक महिला डॉक्टर की हत्या कर दी गई उस पर इंसाफ होना चाहिए, उस पर न्याय मिलना चाहिए, और न्याय की मांग को लेकर ही इन एबीवीपी कार्यकर्ता और इन महिलाओं ने मिलकर प्रदर्शन किया है। तो हैदराबाद की ये घटना थी जहां बड़ी बेरहमी के साथ में एक महिला डॉक्टर की हत्या कर दी गई और उस पर इंसाफ क्योंकि अभी तक नहीं मिल पाया है, और इंसाफ की ही मांग ये महिलाएं कर रही हैं। तो स्वराज एक्सप्रेस की टीम इस वक्त नूतन मध्य प्रदेश भोपाल स्थित नूतन कॉलेज के बाहर मौजूद है जहां पर इन महिलाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रदर्शन की, जहां जमकर नारेबाजी कर रही हैं और न्याय के लिए सरकार से मांगे कि जल्द से जल्द इस मामले पर जो भी दोषी हैं जिन्होंने हत्या की है उन्हें सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें दंड मिलना चाहिए। ये सभी महिलाओं ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की जा रही है, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और साथ में भावपूर्ण श्रद्धांजलि भी ये महिलाएं दे रही हैं। तो तस्वीरों में आप देखिए जमकर नारेबाजी में एक ही बात को दोहरा रही हैं ये सभी महिलाएं कि फांसी की सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए जो भी इस हत्याकांड में दोषी हैं, जो भी आरोपी हैं। तो मामला हैदराबाद का है जहां पर निर्मम तरीके से एक महिला डॉक्टर की हत्या कर दी गई और अब तक जो भी दोषी हैं उनको सजा नहीं मिल पाई है, लिहाजा सजा मिलने को लेकर और फांसी की मांग ये महिलाएं कर रही हैं, और इसमें स्कूल कॉलेज की लड़कियां हैं, साथ में एबीवीपी कार्यकर्ताएं हैं, ये सभी एकत्रित होकर नारेबाजी कर रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, सरकार से या उन नुमाइंदों से ये सिफारिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द कानून के तहत कानूनी कार्रवाई होकर फांसी की सजा उस अपराधी को मिलनी चाहिए जिसने निर्मम हत्या उस महिला डॉक्टर की है। तो प्रियंका रेड्डी ये वही नाम है जिस महिला डॉक्टर की हत्या कर दी गई हैदराबाद में निर्मम तरीके से, लेकिन दोषी अब भी कानून के शिकंजे से दूर हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ लाइव संजय डोंगर देवे भी जुड़ गए हैं। संजय, जैसा कि काफी संख्या में एबीवीपी की कार्यकर्ताएं और स्कूल कॉलेज की कुछ बच्चियां भी प्रदर्शन में शामिल हुई हैं, जैसा कि हम देख रहे थे कि नारेबाजी वो जमकर कर रही है, अपनी नारेबाजी में उन्होंने क्या जिक्र किया है न्याय को लेकर? जी संजय, तेलंगाना
संजय आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? तो शायद तकनीकी खामी के चलते हमें संजय हमारी आवाज संजय तक नहीं पहुंच पा रही है। हम लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ में लगातार अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भोपाल स्थित नूतन कॉलेज के बाहर कुछ स्कूल की बच्चियां हैं और कुछ कॉलेज की छात्राएं हैं और साथ में एबीवीपी की कार्यकर्ताएं हैं, वो सभी एकत्रित हुई हैं। सभी महिलाएं और लड़कियां इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रही हैं, नारेबाजी कर रही हैं और न्याय की गुहार लगा रही हैं कि कितनी बेरहमी के साथ में हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर जिसका नाम प्रियंका रेड्डी है, उसे मौत की घाट उतार दिया गया, उसके हत्यारों को फांसी की सजा होनी चाहिए। यही मांग ये सभी महिलाएं, ये सभी लड़कियां कर रही हैं, जमकर प्रदर्शन के माध्यम से उन नुमाइंदों को चेता रही हैं जो जिनके हाथ में कानून है और दंड देने का हक जिनके हाथ में, उनसे ये नारेबाजी कर गुहार लगा रही हैं कि जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हाँ भैया, लगातार स्वराज एक्सप्रेस के संवाददाता नजर बनाए हुए हैं और जिस जगह यानी कि मध्य प्रदेश भोपाल के नूतन कॉलेज के बाहर जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है इन महिलाओं द्वारा, इन लड़कियों द्वारा, इन छात्राओं द्वारा, हमारी टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। संजय डोंगर दिवे लगातार जायजा ले रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शन इन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, ये पूरा जायजा ले रहे हैं वो। हालांकि लगातार हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही अपने दर्शकों को वहां से कुछ और अपडेट्स भी बताएंगे संजय डोंगर दिवे के जरिए के क्या कुछ उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से मांग की है कि किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय को लेकर क्या उम्मीदें इन महिलाओं की है, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर एक अपराधी को। चलिए संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल मिल रही है आपकी आवाज जी। संजय जानना चाहेंगे, प्रदर्शन जोरदार किया जा रहा है, महिलाएं हैं, छात्र हैं और एबीवीपी के कुछ कार्यकर्ताएं भी हैं, जानना चाहेंगे न्याय को लेकर क्या उन्होंने आवाज उठाई है। बिल्कुल इनका ये हिसाब कहना है, यहाँ अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ बड़ी संख्या में ये कॉलेज स्टूडेंट हैं और नूतन कॉलेज के साथ साथ एबीवीपी के और कई छात्र हैं, यहाँ सारी महिलाएं हैं, सारी लड़कियां हैं जो आज की लड़ाई के लिए आज फिर से एक बार मैदान में उतरी है। इनका ये हिसाब कहना है कि जब तक ये आरोपी जीवित है तब तक हम लोग शर्मिंदा है, क्योंकि प्रियंका रेड्डी को जिस प्रकार से बलात्कार कर मार दिया गया कहीं ना कहीं एक हीन भावना दिखाता और ये महिला अपने आप कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस नहीं करती है। उनका साफ कहना है कि जब तक अपराधियों को फांसी नहीं मिल पाती है तब तक प्रियंका रेड्डी को न्याय नहीं मिल सकता है। चाहता है उन्हीं से बात करें तो वो बता देंगे कि उन्हें और किस प्रकार के न्याय की बात करते हैं। आप किस प्रकार के न्याय की मांग कर रहे हैं? मैं उसके लिए न्याय चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को ही एक्शन ले उस चीज के लिए। क्या चाहते हैं कि किस प्रकार सरकार वहाँ पे लोकल के सामने आए, केंद्र सरकार से वो कुछ भी नहीं कर रही, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, हम इसीलिए यहाँ पर हैं। अगर आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही मांग है कि प्रियंका को न्याय के लिए सिर्फ फांसी और आरोपियों को सिर्फ फांसी दे, तभी ये न्याय की मांग पूरी हो पाएगी। जी बुशरा, जैसा कि संजय हम देख रहे हैं तस्वीरों में काफी संख्या में, चाहे वो एबीवीपी के कार्यकर्ता हो, छात्र हो, विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ विद्यार्थी हो, सभी एकजुट होकर नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि अब भी आप वहां पर मौजूद उन महिलाओं से बातचीत करें, न्याय को लेकर सरकार से क्या उम्मीद है और न सिर्फ सरकार से बल्कि उस प्रशासन के उन नुमाइंदों से भी क्या उम्मीदें हैं उन्हें, क्योंकि महज ये एक घटना नहीं है, इसके पहले भी तमाम इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। अगर दोषी को यूं ही छोड़ दिया जाएगा तो न्याय प्रक्रिया से यहाँ पर भरोसा उठने जैसी सवालिया निशान खड़ा होगा। हम चाहेंगे आप बात करें। बिल्कुल दूसरा, मैं अभी और छात्रों से बात कर लेता हूँ कि वो किस प्रकार की मांग यहाँ पे अपने और सरकार से रखना चाहती है। आप कहाँ से? मैं छिंदवाड़ा से हूँ। मैम, आप आज अगर आप बात न मान ली जाए तो जिस प्रकार की न्याय की बात कर रहे हैं, फांसी की बात कर रहे हैं, सरकार को किस प्रकार से आप जगाना चाहती हैं और क्यों मतलब इस प्रकार की घटना नहीं रुक पा रही है, क्या लगता है? यहाँ पर सबकी घर में माँ बेटी हैं, सब बहनें हैं, उनको फांसी देना चाहिए, जो भी मतलब हुआ है गलत हुआ है उनके साथ।
अगर जब तक फांसी नहीं जाएगी, दिए नहीं जाएगी, जब तक उनको जस्टिस नहीं मिलेगा, और बाकी ये सब जो रेप केस होते हैं वो भी नहीं रुक पाएंगे, तो मिलना चाहिए उनको फांसी। संजय, जैसा कि आपने सुना है कि कुछ छात्राएं बाहर से भी हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे कि कितने और अलग अलग राज्यों से वहाँ पर छात्राएं पहुंची हुई हैं। पुलिस को बताने से, घर वालों को बताने से पहले पुलिस को बताते, तो मैं एक बात बोलूँ आपसे। कॉलेज में पढ़ती है, यहाँ कितने कितने क्षेत्र, मध्य प्रदेश के कौन कौन से क्षेत्र की छात्राएं यहाँ पढ़ती है? बहुत सारे, छिंदवाड़ा, रीवा, बेरसिया, बहुत से क्षेत्र आते हैं, भोपाल के बहुत सारे लोग हैं। मैं ये बोलूँगी कि अगर आप ये बोलते हैं, पुलिस वाले के पास जाएं, ये बोलते हैं कि आप घर वालों को बताने से पहले हमको बताते, तो अगर सामने वाली आपको फोन लगाती, वो आपको फोन लगाती, तो आप क्या बोलते कि चलो आपकी हेल्प करें, तो मुझे क्यों फोन लगाया? लेकिन ये जो हमारी वहाँ की सरकार है, वो ये क्यों बोल रही है कि भैया आपको पुलिस को बताना चाहिए था घर वालों को बताने से पहले? तो ये जो क्वेश्चन है उनका, ये लड़कियों के खिलाफ एक बहुत आपत्तिजनक सवाल उठाया है उन्होंने उनसे। अगर पूछना देखा जाएगा ना, तो ये साफ इनका कहना है कि जो यहाँ के केंद्र जो वहाँ के गृह मंत्री है, उनके एक क्वेश्चन पे ये ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि उनने गृह अपने परिवार की जगह पुलिस को फोन नहीं लगाया, ये कहीं से कहीं लगता है। क्या लगता है, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जल्दी से जल्द आरोपियों को सजा दी जाए। आरोपियों को सजा ना देना ऐसी चीजों को बढ़ावा देता है, और इससे हम महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। आप क्या चाहते हैं? यही कि हमें सजा दें उन कातिलों को। जैसा कि हमने देखा है, काफी ज्यादा आक्रोश इन छात्राओं में और एबीवीपी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। न्याय प्रक्रिया पर भी कुछ महिलाएं यहाँ पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन आगामी वक्त में, ये तो प्रदर्शन की रही बात, लेकिन आगामी वक्त में न्याय को लेकर कोई सही स्टैंड लेता हुआ नजर नहीं अगर आया, तो आगामी वक्त में ये सभी मिलकर किस तरीके से आंदोलन को तेज करेंगे, जानने की कोशिश कीजिए। संजय, बिल्कुल आगे आगे की, बिल्कुल आगे की रणनीति पे भी हम बात कर लेते हैं। एक बार बताइए कि अगर जैसे आज का ये प्रदर्शन आप कर रहे हैं, इसके बाद भी अगर प्रियंका को, रेड्डी को न्याय नहीं मिलता है, तो अगला कदम किस प्रकार से? हम और नारे लगाएंगे, हम देश से मांग करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिस्टर से वो सीधे बयानबाजी करते, वो कभी भी एक्शन नहीं लेते, और हमारे देश में हर रोज कुछ कुछ ऐसी घटनाएं होती है। वी वॉन्ट जस्टिस फॉर प्रियंका रेड्डी एंड वी वॉन्ट जस्टिस फॉर एवरी गर्ल इन इंडिया। आज ही अपनी मांगे पूरी नहीं हो पाती है, तो आप किस प्रकार का अगला कदम क्या होगा? हम आगे भी आंदोलन करेंगे। बात कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, ये आंदोलन रुकेगा नहीं। कहीं ना कहीं आंदोलन को लेकर, प्रियंका रेड्डी के न्याय को लेकर ये लड़ाई लंबी चलती नजर आ रही है। जी बुशरा जी, यानी कि इस बात से परहेज नहीं किया जा सकता कि अगर कानूनी प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगता है, हालांकि कानून पर हम सबको भरोसा है, लेकिन उसके बावजूद भी आगामी वक्त में इस बात की भी उम्मीद की जा सकती है कि महिलाएं दिल्ली तक भी कूच कर सकती हैं, जानने की कोशिश कीजिए। संजय जी, जी संजय, पूछा मैं एक बार क्वेश्चन फिर से सुनना चाहूंगा, यहाँ आवाज नहीं है। इस बात से किनारा नहीं किया जा सकता कि अगर न्याय प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लग सकता है, या कुछ भी जो भी न्याय प्रक्रिया में होता है, अगर बहुत ज्यादा समय लगता है इन महिलाओं का, जैसा कि गुस्सा देखने को मिल रहा है, तो दिल्ली कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल, इसको लेकर हम कुछ एबीवीपी के ही जो छात्र हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। एबीवीपी के ही ये प्रदर्शन में इनका सपोर्ट रहा है, और ये पूरी तरीके से ये बता पाएंगे कि अगली अगर रणनीति की बात कर ले तो इस प्रदर्शन को लेकर आगे ये लोग कहाँ तक जा सकते हैं, क्या दिल्ली इनका अगला कदम हो सकता है। भाई आपका नाम? नीलेश सोलंकी, प्रदेश मंत्री। अब ये बता दीजिए, एबीवीपी द्वारा ही प्रदर्शन तो किया गया, क्या लगता है यहीं ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, या दिल्ली में बैठी सरकार को भी जगाने के लिए कुछ करेंगे? देखिए, विद्यार्थी परिषद का केवल यहाँ भोपाल में ही नहीं है, कल से लेकर विद्यार्थी परिषद पूरे भारत में प्रदर्शन कर रही है, और आज दिल्ली में भी प्रदर्शन है। कल रात्रि में ही JNU डूसू कैंपस में विद्यार्थी परिषद का प्रदर्शन हुआ है। केवल भोपाल में ही नहीं, तो देश के कोने कोने में विद्यार्थी परिषद हर कैंपस में, हर नगर में, हर महानगर में प्रदर्शन कर रही है। और तेलंगाना सरकार के खिलाफ जिस प्रकार से जो हुआ है अवमान्य घटना, जिस छात्रा के साथ में 2 दिन तक पुलिस प्रशासन उसकी बात नहीं सुनी,
दो दिन तक उनके परिवार को उधर से उधर भटकाया गया, उसके बावजूद उसकी बात सुनी गई है। अगर एक बात बताइए, क्या इसको लेकर केंद्र की सरकार को भी जगाने के लिए अभी भी कुछ कदम उठा रही है? केंद्र की सरकार को जगाने के लिए विद्यार्थी परिषद दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल, पूछा अगर देखा जाए तो एबीवीपी भी कहीं ना कहीं कह रही है कि अगर केंद्र की सरकार सोई हुई है उसको जगाने के लिए भी वहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, और अगर जरूरत पड़ी तो भोपाल से भी और मध्य प्रदेश से भी। हमने सुना कि दिल्ली में भी प्रदर्शन किया जा रहा है, मामला देखा जाए तो हैदराबाद से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये प्रदर्शन सिर्फ मात्र इस बात को लेकर के हो रहा है कि जैसा हैदराबाद में एक उदाहरण देखने को मिला है कि निर्मम तरीके से एक महिला डॉक्टर की हत्या कर दी गई, ऐसा उदाहरण किसी और राज्य में देखने को ना मिले, इसलिए दिल्ली में प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आगामी वक्त में जरूरी कदम उठाए जाए, इसको लेकर क्या आंदोलन छेड़ने की रणनीति एबीवीपी कार्यकर्ता हो या और कोई पार्टी के संगठन हो या सिर्फ महिलाओं का संगठन हो, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल, अगर जब ये एबीवीपी का ऐसा साफ कहना है, स्टूडेंट के ऊपर अगर आज न्याय की बात आ रही है तो आज मात्र आज का प्रदर्शन नहीं है, ये हमेशा चलने वाला प्रदर्शन है। चाहे हम न्याय के लिए महिला हो, छात्रा हो या छात्र हो, जिसके साथ भी अन्याय होगा उसके लिए एबीवीपी मैदान में उतरेगी। आज क्योंकि एक महिला का मामला है, महिला के नाते इस पूरी एक लड़कियां पूरी एक नूतन कॉलेज की छात्रा ने इस प्रदर्शन में भाग लिया, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे छात्र अगर छात्रा के साथ कहीं भी गलत होगा तो एबीवीपी का ये कहना है कि वो उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। जी उषा, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। आपके पास लौटेंगे हम, लेकिन अपने दर्शकों को तब तक एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि संख्या देखिए, एबीवीपी कार्यकर्ता है, छात्राएं हैं, विश्वविद्यालय के छात्राएं हैं, सभी एकत्रित हुई है, और जो हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी एक महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई, उस मामले पर न्याय की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें मध्य प्रदेश भोपाल स्थित नूतन महाविद्यालय के पास की हैं, जहां पर एबीवीपी कार्यकर्ता और स्कूल कॉलेज की छात्राएं एकत्रित होकर प्रदर्शन कर रही हैं। और मामला एक बार फिर से हम आपको बता दें, हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, और उसके विरोध में ये सभी एबीवीपी कार्यकर्ताएं और छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि ये सवालिया निशान महिला सुरक्षा को लेकर उठ रहा है, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है जब इस तरीके से दुष्कर्म के बाद एक महिला की हत्या कर दी गई हो। ऐसे समय समय पर इस तरीके के मामले सामने आते रहे हैं, और दावा करने वाली सरकारें उस वक्त जब चुप होकर बैठ जाती हैं जब फिर से इस तरीके के मामले सामने आते हैं। हालांकि हवाला हर सरकार, हर राज्य की सरकार ये देती है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर काम किए जा रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी साबित हो जाते हैं सभी हथकंडे महिला सुरक्षा के, जब ऐसे मामले बार बार सामने आ जाते हैं। और जैसा कि संजय कुछ देर पहले बात कर रहे थे, उन वहां पर मौजूद इन छात्राओं और एबीवीपी कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करने पर मालूम हुआ कि लगभग हर राज्य से महिलाएं यहां पर पहुंची हैं, छात्र यहां पर पहुंचे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कानून प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जल्द ही न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है ऐसे मामलों पर। और साथ में इन सभी कार्यकर्ताओं और छात्राओं ने यह भी मांग की है कि जो भी दोषी हैं उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और लगातार जैसा कि चर्चा में हमें मालूम चला कि ये प्रदर्शन न सिर्फ मध्य प्रदेश भोपाल स्थित सिर्फ मध्य प्रदेश राज्य में किया जा रहा है, बल्कि दिल्ली में भी। हाल ही में एक एबीवीपी के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि दिल्ली में भी इस वक्त प्रदर्शन किया जा रहा है, और आगामी वक्त में अगर उन्हें लगता है कि ठीक तरीके से न्याय प्रक्रिया नहीं चल रही है या अभी तक न्याय नहीं मिला है, तो इसको लेकर आगामी वक्त में दिल्ली वो और ज्यादा बड़े स्तर पर कूच करेंगे और ज्यादा अपने आंदोलन को बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि कम से कम जो कानूनी प्रक्रिया है
या जो सरकारी नुमाइंदे हैं वो इस पर ज्यादा ध्यान दें और कानून के तहत जल्द से जल्द जो दोषी उन्हें फांसी की सजा या जो भी कार्रवाई या जो भी दंडात्मक कार्रवाई होती है वो कम से कम जल्द से जल्द हो पाए। तो लगातार इन छात्राओं और इन एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने पर मालूम हुआ है कि इस आंदोलन को और भी बड़ा रूप देने की कोशिश ये लोग करेंगे कि कम से कम हैदराबाद में जो उदाहरण सामने आया है वो अन्य किसी राज्य में सामने ना आ सके, इसलिए हर राज्य की जो कानून व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त करने के लिए राज्य की सरकारों को ध्यान देना होगा। सिर्फ खाना पूर्ति कर देने से या बड़े बड़े दावे कर देने से कुछ नहीं होता, बल्कि कानून व्यवस्था पर इतनी लगाम होनी चाहिए कि इन महिलाओं को सुरक्षा ठीक तरीके से मिल पाए और ऐसे हैदराबाद जैसे उदाहरण सामने ना आ पाए। मैं अगली